10 साल हो गया, दो दो काउंसलर आए और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक पहली कबीर हाजी के टाइम में ये इतना ब्लॉक बैठा मस्जिद से लेके यहाँ तक, उसके बाद फिर उधर वो भी बैठ गया। ये खड्डा आज 10 साल से वैसे ही है। ये बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, देख रहे हो वहाँ कुंडियों का ढेर बना हुआ है और शाम में यहाँ पे बच्चे लोगों की स्कूल की छुट्टी होती है, वो बच्चे लोगों को जो एक्सीडेंट कुछ हो जावे कम ज़्यादा उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलने की जगह नहीं है, वहाँ पे ठेला लगा के रखे है, वो मोबाइल वाला पूरी गाड़ियाँ जमा करके रखता है, पूरा ट्रैफिक है और एक से एक तुर्रम खान लोग की सड़क से जाएंगे, किसी को कुछ बोलने के लिए हो नहीं रहे कि कुछ बोल दे। बच्चे और बूढ़े इसके अंदर वो ठहर के जाते हैं, इनको जाने की जगह नहीं है, कहाँ से जाएंगे? चारों तरफ ब्लॉकेज है, कहीं से पानी निकलने का रास्ता नहीं है। नमाजी लोग को इतनी ज़्यादा तकलीफ है ना भाई, इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि कोई कुछ बता भी नहीं सकता क्या है। ऊपर ऊपर चढ़ के जाते हैं, यहाँ पे ब्रिज बनने वाले, यहाँ से ब्रिज चढ़ेगा जवाहर रोड से अब आपकी रोड पर उतरेगा, ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा पूरा, ऐसे ही रहेगा। बड़े बड़े नेता है, इलेक्शन आ रहे सब आएंगे, बड़ी बड़ी बातें, इलेक्शन के बाद टाइम है, घुस कुछ नहीं होने वाला, भिवंडी का कुछ होने ही वाला ही नहीं। आए नहीं, ये तकलीफ देखते और बर्दाश्त करते खड़े हमारी माँ बहनें अभी जैसे आ रही है, तो इनको दुनिया की तकलीफ होती है और कितनी औरतें गिर चुकी है बेचारे, फिर नमाजियों को बेहद तकलीफ होती है यहाँ से आने जाने में, मस्जिद के बाजू से ये गटर का रास्ता खराब हुआ है। कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रिंट देने के लिए लकी प्रिंट्स लाए हैं लेटेस्ट ऑल विंग कंपनी के CA 512 I+ मशीन, जो भिवंडी में वन एंड ओनली है, जिसमें फ्लेक्स, विनेल, बैकलिट, स्टार, वन वे और हर तरीके के बैनर बनते हैं। इसके अलावा ब्रोशर्स, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, शादी कार्ड, बिल बुक जैसी कई प्रिंट और डिजाइन की फैसिलिटीज मिलेंगी, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी मटेरियल के लिए कांटेक्ट जरूर करें लकी प्रिंट्स। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के बागी फिरदौस के पीछे का इलाका है, ये निजामपुरा लगता है, ये वार्ड नंबर 5 है। मैं आपको बता दूं यहां पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, रास्ता चलने को नहीं है, गटर का पानी जो सीधा रोड पर आ रहा है। तो पहले हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ देखिए मेरे राइट साइड में ये अंसारी मार्केट के पीछे का इलाका है, वो ड्रेनेज सिस्टम जो है पूरा रोड पे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हम जब जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ से ये पूरी गटर जो है टूटी हुई है, पूरी गटर जो है टूटी हुई है और गटर का सारा पानी यहाँ पर ये देखिए किस तरह से रोड पर जमा हुआ है। मैं कहूँगा उधर का दिखाने के लिए, क्योंकि पूरा गटर का पानी जो है निकल कर रोड पर आ रहा है और ये गंदा पानी है, पैदल चलने को भी यहाँ पर ठीक से रास्ता नहीं है। यहाँ पर एक अंकल खड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये कब से है। अंकल, कब से परेशानी है ये? अरे ये 15-10 साल हो गया, दो दो काउंसलर आए और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक पहले कबीर हाजी के टाइम में ये इतना ब्लॉक बैठा मस्जिद से लेके यहाँ तक, उसके बाद फिर उधर वो भी बैठ गया। ये खड्डा आज 10 साल से वैसे ही है। ये खड्डा क्यों हो रहा है? पानी जमा होने की वजह से हो रहा है? पूरा भरा हुआ है, इधर इधर गटर नहीं है, उधर गटर है, पूरी गटर भरी हुई है, कोई साफ करने देख रहा हूँ यहाँ पर आगे गटर है, वो वहाँ से घूम गई है गटर। अच्छा, वो गटर उधर से चली गई है, सब गटर का ही पानी वापस रिवर्स आ रहा है। अच्छा। और यहाँ पे सब पानी भर रहा है, ये जो पानी निकल रहा है ये तो कुदरती तौर से निकल रहा है, लेकिन ये गंदा नहीं है, लेकिन गंदा पानी भी इसी में आ रहा है, ये कोई इसकी सुनवाई नहीं है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये गटर जो है वहाँ से जाते हुए यहाँ पर आके ये गटर बंद हो गई है, जिसके बाद इसे क्रॉस करके यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया गया है, ये पूरा इलाका देखिए किस तरह से। और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यहाँ पर ये देखिए कि गटर किधर है और रोड किधर है, ये देखिए आप कितना गैप है इसके बीच में, कम से कम 1 फीट का गैप है। ये कौन इंजीनियर बना रहा है, किस हिसाब से बना रहा है, ये बहुत सोचने वाली बात है। और उसके बाद जो है, और राइट साइड में हम देखेंगे तो राइट साइड में गटर नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पर एक तरफ गटर है, एक तरफ गटर नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानिक है, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम आपका? राशिद अंसारी। राशिद भाई कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पे रहता हूँ, ये इस बिल्डिंग के पीछे 7 माले का जो टावर है, हमारा अपार्टमेंट में उसमें रहता हूँ। ये सब दिक्कत जो है कब से है ये?
ये बहुत सालों से ऐसे ही चला आ रहा है, देख रहे हो वहाँ कुंडियों का ढेर बना हुआ है, और शाम में यहाँ पे बच्चे लोगों की स्कूल की छुट्टी होती है, वो बच्चे लोगों को जो एक्सीडेंट कुछ हो जावे कम ज़्यादा उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलने की जगह नहीं है, वहाँ पे ठेला लगा के रखे है, वो मोबाइल वाला पूरी गाड़ियाँ जमा करके रखता है, पूरा ट्रैफिक है, और एक से एक टुर्रम खान लोग की सड़क से जाएंगे, किसी को कुछ बोलने के लिए हो नहीं रहा कि कुछ बोल देवे। जगह जगह पे मैं देख रहा हूँ ब्लॉक लगे हुए हैं, ये किसकी निधि से लगे और क्या है ये सब? ये क्या मालूम किसकी निधि से लगे हुए, लगा हुआ उल्टा ही है, गटर उधर है स्लोप इधर बनाया है, यहाँ पे पानी जमा होता है। अच्छा, ये स्लोप उधर बना, एक तरफ गटर है एक तरफ नहीं, एक तरफ नहीं है स्लोप, वहाँ देना चाहिए तो पानी उधर बहेगा ना, तो स्लोप इधर दिया हुआ है, पानी इधर जमा होता है ये कोने में, वो देखो स्लोप उधर दिया हुआ है, स्लोप ऐसा दिया हुआ है, गटर इधर नहीं है तो स्लोप ऐसा क्यों दे रहे हो, ऐसा दो ना। और लोगों से जुड़ना चाहेंगे, भाई क्या नाम आपका? करण। भाई कब से है ये सब? ये पिछले 6-7 महीने से चल रहा है, बारिश के पहले से चल रहा है भाई। ये ऐसा है ना कि भाई बच्चे और बूढ़े इसके अंदर वो ठहर के जाते हैं, इनको जाने की जगह नहीं है, कहाँ से जाएंगे, चारों तरफ ब्लॉकेज है, कहीं से पानी निकलने का रास्ता नहीं है। नमाजी लोग को इतनी ज़्यादा तकलीफ है ना भाई, इतनी ज़्यादा तकलीफ है कि कोई कुछ बता भी नहीं सकता क्या है। ऊपर ऊपर चढ़ के जाते हैं, यहाँ पर ब्रिज बनने वाला है, यहाँ से ब्रिज चढ़ेगा, जवाहर उड़ल से बाकी रोड पे उतरेगा, ये एरिया ब्लॉक हो जाएगा पूरा, ऐसे ही रहेगा। ये सब के बारे में कंप्लेन वम्प्लेन किया आप लोगों ने किसी के से? भाई किसको करने का, हम लोग पैसा ले लेते हैं, कोई आता नहीं है इधर पे, ऐसा बोला जाता है। हाँ लो पैसा लो तुम, हम लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, चुप रहो तुम लोग, ऐसा ऐसा सीन चलता है यहाँ। ऐसा नेता बोलते हैं आपको कि आप लोग के ऊपर ऐसा आरोप होता है? ऐसा आरोप भी होता है और नेता भी बोल देते कभी कभार। क्या पैसा लेते? हम लोग पैसा ले लेते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी मत रहो, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग धड़ल्ले से बोलते हैं कि भाई हम लोग ये सब क्लियर करके तो हम लोग फ्री में खड़े तुम्हारे लिए, यहाँ बुलाओगे वहाँ जाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसे ऐसे हालात रहेंगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई। और जानकारी दे दूँ आपको यहाँ पर कि हाँ एक बात करेंगे, बात करेंगे, एक मिनट रुको, तो मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ यहाँ पर कि ये इस इलाके का जो यहाँ दिखाइए, इस इलाके का जो कचरा है यहाँ पर लाकर डंप किया जाता है, जिसके बाद वो जेसीबी जो यहाँ पर उठाती है कचरा वो यहाँ पर पूरा खड्डा कर दिया है, जिसके बाद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जो गंदा है वो यहाँ पर जमा रहता है, जिसके वजह से देख सकते हैं आप आने जाने में काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत है। इसके अलावा ये वार्ड में खाली यहाँ पर ही समस्या नहीं है, इसके अलावा इस रोड के बाजू में एक रोड है वहाँ पर भी समस्या है, उसके आगे भी एक समस्या है, हम सब दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय को जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम भाई आपका? शकील। शकील भाई किधर रहते? मैं यही जवाद के पास। ये जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कहीं ब्लॉक लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं गटर खुली हुई है, कहीं पे गटर का पानी बह रहा है, तो ये सब का जिम्मेदार कौन है? ये सब के जिम्मेदार पब्लिक खुद है। खुद है क्यों? नेता पब्लिक क्या करेगी, अब उनको आदत पड़ गई जान हथेली पे लेके खेलना, रोज मौत से खेलते आते जाते, कभी टायर के नीचे पत्थर आ गया, आदमी गया, कहानी खत्म। यहाँ के लोगों को क्या प्रशासन वो सुविधा नहीं दे पा रहा है क्या? अरे सब देखते हैं इतना, मतलब कि बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, बारिश इतना ट्रैफिक, वो मतलब इतना कीचड़ रहता है, सामने मस्जिद है, रोज बच्चों को छोड़ने जाने पड़ता है, वो रोड तक का क्या करेंगे प्रशासन, वो बोले कौन सुनेगा, कोई सुनवाई नहीं है किसी की नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी बिल्डिंगे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत पॉश एरिया, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता है, इलेक्शन आ रहे सब आएंगे, बड़ी बड़ी बातें, इलेक्शन के बाद टाइम है, भूस कुछ नहीं होने वाला, भिवंडी का कुछ होने ही वाला ही नहीं, भिवंडी का कुछ नहीं होने वाला कि इस इलाके का कुछ नहीं होने वाला? अरे इलाके का, शहर का, सबका, किसी का कुछ नहीं होने वाला, बस कुछ नहीं होगा, बस रोज जान हथेली पे लेके चलो, बस कब गाड़ी के नीचे पत्थर आया, कब खड्डा आया, आदमी कहानी खत्म, रोना धोना पिटना, आके खड़े हो जाएंगे बस, उसके बाद चुपचाप निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, किसको बोलेंगे, किसको बोले कोई मतलब ही नहीं है। वोट तो डालते होंगे ना? वोट डालते हैं। अच्छा प्रतिनिधि आपकी नजर में कोई नहीं है क्या? अच्छा प्रतिनिधि सब है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो म्युनिसिपैलिटी इतनी गंदी है ना, अच्छा आदमी भी जाएगा ना गंदा हो जाएगा। अच्छा ये चीज क्लियर कर दीजिए पहले, म्युनिसिपैलिटी खराब है कि नेता खराब है? सब खराब है, सब खराब है, कोई अच्छा नहीं है, पब्लिक भी अच्छी नहीं है, उनको भी चाहिए इलेक्शन में। ये सब का जिम्मेदार कौन है, सबको खराब बोल रहे हो आप? तो कौन सबसे बड़े जिम्मेदार? आवाम है, आवाम खुद है, आवाम खुद है जिम्मेदार। इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे तो आप क्यों, सबको तो आप खराब बोल दे रहे, जनता सब चीज पे क्या करने का, रोज खेलने का, बच जाने का, मौत से पत्थर आए, कहानी खत्म, चले जाने का, बस और क्या करे, कोई है क्या लाइफ में? बदलाव नहीं आना चाहिए?
बदलाव करने वाला भी आएगा तो चारों तरफ खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा इसकी नीति कौन मैं कराया। हर नेता तो खड़ा हो जाता अपना वोट लेने के लिए, मैं कराया वो काम, दूसरा कोई कराता रहेगा बोले मैं कराया। मैं वाली बात भी आती है ना, अभी इलेक्शन आने वाला है, चार आदमी कॉर्पोरेटर में खड़े होने, मैं करवाता हूँ सर का नाम आएगा। इस तरह से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से फ्रस्ट्रेट हो के सबको खराब बोल रहे हो, सबको खराब बोल रहे हो आप, मगर कुछ तो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी ना। कौन उठाएगा, या जनता को या नेता को या किसी को तो जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी भिवंडी शहर को बदलने की। तो कौन जिम्मेदारी, तो बोल रहा हूँ ना, हर नेता जीतने के बाद वैसा ही हो जाता है। आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वार्ड में कई सालों से काम हुआ नहीं। काम भी होता है, ऐसा नहीं है, काम बताइए, बहुत से काम हुए, जो ब्लॉक व्लॉक भी बैठे और भी काम हुए। ब्लॉक अभी तो ब्लॉक तो दुश्मन बन गया अभी, ये अब बारिश का मौसम, अपन क्या बोल सकते हैं, बारिश का मौसम है सबसे बड़ी। मैं तो पब्लिक को ज्यादा दोष दूंगा, वजह ये है, स्कूल से आया गिर गया, मैं तो पब्लिक को ज्यादा दोष दूंगा, ये कचरे कुंडी की जगह क्या, अरे सुबह गाड़ी आती है कचरा डालो ना उसके अंदर, आदमी अल्लाह तआला ने तुमको दिमाग दिया, सब कुछ दिया, सरकार ने दे दिया उसके, वो करो ना, वो बराबर निकला, कौन सा भी योजना निकली, वो लाडली बहन योजना बराबर, वो 1500 रुपये के लिए मेरा फॉर्म नहीं हुआ। तुम कचरे के लिए इतना नहीं कर सकते, घर के बाहर निकल नहीं सकते क्या? पब्लिक जिम्मेदार मेन है, नेता कोई जिम्मेदार नहीं है। नेता भाई आपका मोहसिन भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं यही सामने ही रहता हूँ, जहाँ कचरा है मेरे घर के सामने कचरा डाला जाता है। तो ये जो रोड पर कचरा फेंक रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते? ये तो आवाम भी है, साथ में म्यूनसिपलिटी भी है, इसमें दोनों का हाथ है। एक तो आवाम ऐसी है कि उनको चाहिए कि जब कचरा गाड़ी है उसमें कचरा डाले, और म्यूनसिपलिटी ऐसी है कि झांकने तक नहीं आती यहाँ पे, गटर का पानी बहते रहता है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा कीचड़ बना हुआ है, स्कूल के बच्चे सुबह 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 शाम हर टाइम जाते हैं, हाँ बीमारी अलग से हो रही है। मैं अभी देख रहा हूँ कि गटर में भी यहाँ काफी ज्यादा झिकझैक दिख रहा है, एक तरफ गटर है एक तरफ नहीं है, तो प्रशासन कभी यहाँ पर किसी तरह का काम करने के लिए नहीं आया क्या कि यहाँ पे एक सही सुविधा देना चाहिए? कभी यहाँ सफाई के लिए भी नहीं आते वो, यहाँ अपना पैसा लगा के तो गटर साफ कराना पड़ता है, ये हाल है। यहाँ पर ये ब्लॉक बैठा हुआ है, ये ब्लॉक भी ठीक तरह से नहीं बैठा, पूरा ब्लॉक क्यों नहीं बैठा है? नहीं इसकी तो नॉलेज नहीं है। नहीं, नाम आपका? इरशाद शेख। इरशाद भाई क्या कहेंगे आप, कब से है ये सब परेशानी यहाँ पर? ये तो काफी टाइम से है, ये बहुत ज्यादा तकलीफ है, रास्ते को लेकर ना बहुत ज्यादा तकलीफ है। सुहेल भाई आपके माध्यम चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ तक के बड़े बुजुर्ग आने जाने के लिए बहुत ज्यादा दुश्वारी है, पैदल चलने का भी मामला एकदम ऐसा है कि देख रहे आप जगह जगह पे गैप है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पे कचरा है, इतनी खराब बदबू है, ये बदबू से तो आदमी बीमार पड़ जाएगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ये लोग नमाज पढ़ने के लिए, करीब में मस्जिद है, आगे फिर मस्जिद भी है, लोग आते हैं नमाज पढ़ने जाने के लिए, ये जो गंदगी के हिसाब से बहुत ज़्यादा दुश्वारी है हमारे लिए। जबकि अच्छे अच्छे बिल्डिंगें बन रही है आजू बाजू, लेकिन पता नहीं क्या पड़े। इसी चीज़ का मैं कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिख रही है, अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, मगर लोगों को यहाँ सुविधा नहीं दी जा रही है। अब इसका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे, पब्लिक भी है यहाँ तक कि म्यूनसिपलिटी भी है, दोनों का है, इसमें दोनों का रोल है। अब क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम मुजैफा है। मुजैफा भाई कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर यहाँ है फर्स्ट फ्लोर पे। यहीं पे रहते हैं आप भी? ये क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, लोगों को चलना दुश्वार है, तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ कंप्लेन वगैरह की कॉरपोरेशन में कि यहाँ बनना चाहिए? मैं आपको बताऊँगा भाई, ये एरिया का जो है ना पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने को नहीं आता है, कॉरपोरेटर है लेकिन एक बार राउंड नहीं मारा है, एक बार, सब अपने अपना एरिया बांट दिए पहले ही, कोई अपना एरिया देख रहा है कोई अपना एरिया देख रहा है, लेकिन हमारे इधर कोई देखने को तैयार नहीं। वो तो ठीक है हमारे ये जो सलाम शेख है एरिया के, वो म्यूनसिपाल्टी में लेटर लिख के देते रहते हैं और हर जुमा को फ़ोन करते रहते हैं, तो गाड़ी आती रहती है तो थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, नहीं तो भाई वो भी नहीं होगी। ये रोड पर कचरा आ गया है, वो उधर आ गया है, गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं है भाई, बहुत तकलीफ है। सफाई का तो इशू मैं देख रहा हूँ यहाँ पर है, उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि सड़कें जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और चलने की भी दुश्वारी है, गटर का पानी जो है रोड पर आ रहा है, इसके ऊपर से किसी ने आवाज़ उठाई क्या भाई? उठाए थे हम लोग ने आवाज़, गए थे भी बहुत, चार पांच लोग मिल के हम लोग गए थे। मैं ऐसा ऑफिशियल डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहता, वरना क्या रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हमारे भी रिलेशन है किसी से, लेकिन हम गए थे किसी की ऑफिस में बोलने के लिए कि भाई हमको बहुत ज़्यादा रोड पर तकलीफ़ है, इसको सही करो, मेरे घर में इतनी बदबू आती है जिसकी कोई याद नहीं।
जो गटर का पानी रोड पर आ रहा है इसका सोल्यूशन आप लोगों ने कुछ तलाशा है कि क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए? भाई ये तो प्रशासन करेगी ना। नहीं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि एक तरफ गटर है और एक तरफ गटर नहीं, क्योंकि गटर जो होती है गटर रोड के दोनों तरफ होनी चाहिए, मगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि एक तरफ गटर है और एक तरफ गटर नहीं है और बीच में जिगजैग के तरह क्रॉस कर दिया गया गटर को, तो ये सोल्यूशन नहीं दिखता है मुझे कि ये परफेक्ट सोल्यूशन है। आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं लाइव इन इंडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कचर कुंडी है ना, यहाँ पर रहना चाहिए डब्बा और हर घंटा गाड़ी रोज आना चाहिए, लेकिन यहाँ घंटा गाड़ी आती नहीं है। घंटा गाड़ी भी नहीं, डब्बा भी नहीं है, घंटा गाड़ी भी नहीं, बोल रहा हूँ पुरजाने हाल नहीं है भाई। वो पीछे वाले एरिया में ना अपने फराज बाबा बाउद्दीन के एरिया में रोज भाई घंटा गाड़ी आती है और उनके इधर कचर कुंडी के इधर डब्बा रखा हुआ है जाके उससे, और हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। अभी क्या करे क्या नहीं, हम लोग बार बार लेटर लिख के देते हैं, रोज गाड़ी बुलाते हैं, कचरा उठता है वरना वो उठेगा भी नहीं। अब इसका जिम्मेदार कौन है वो आप ही बताना न्यूज पे। ये था बाकी फिरदोस से। हम निजामपुरी की तरफ जाएंगे, लापास ब्यूटी की तरफ वाला रोड है ये। सिर्फ यहाँ पर समस्या नहीं है, हम इसके अलावा इसके बाजू में एक रोड और है वहाँ पे भी चलेंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या समस्या है। अभी भी हम उसी इलाके में हैं, वार्ड नंबर 5 में, निजामपुरी का जो इलाका है, बागी फिरदौस मस्जिद के ठीक पीछे का एरिया है ये। यहाँ पर भी हम जब आगे आएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे महाराष्ट्र डाइंग की तरफ, तो यहाँ देखिए एक शौचालय है, शौचालय को लग कर एक गटर है। तो ये देखिए ये गटर जो है, देख सकते हैं पूरी जो गंदगी है ये यहाँ पर बहते हुए दिखाई दे रही है, और इसी गटर से लग के यहाँ पर देखिए कुछ केबिन्स रखी हुई है, जो देखिए पूरा पूरा ताला डूबा हुआ है, पूरा गटर का पानी जो है रोड पर है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कि रोड दरअसल होती किस लिए है, लोगों को चलने के लिए या इस तरह से पानी को बहाने के लिए? देखिए किस तरह से पूरा गंदा पानी जो है यहाँ पर रोड पर आ गया है और लोग जो है यहाँ पर कुछ जुगाड़ लगाकर रोड पार हो रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। चलिए हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानिक है, उनसे जुड़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये दिक्कत कब से है। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम भाई कब से है ये परेशानी? बहुत ये परेशानी पिछले 2 महीने से, जब से बारिश का दिन आया है जब से ये परेशानी चालू है। बारिश होती है पानी भर जाता है और गटर सब जाम करके अपनी अपनी सब दुकान लगाए, ये तो आपको दिख ही रहा है। और बहुत से लोग आए, यहाँ तक के विलास के बच्चे लोग भी आए थे, राउंड वाउंड मार के गए बेचारे, वो लोग भी सर्वे करके गए लेकिन उसका रिजल्ट कुछ आया नहीं। और भी बहुत से हमारे मलिक मोमिन साहब भी आए थे, वो भी देख ओख के गए अच्छे से लेकिन कुछ रिजल्ट आया नहीं, वो भी अपनी जद्दोजहद कर रहे, तो किसी को कुछ बोलने जैसा आया नहीं। ये तकलीफ़ देखते और बर्दाश्त करते खड़े हमारी माँ बहनें अभी जैसे आ रही है, तो इनको दुनिया की तकलीफ़ होती है। और कितनी औरतें गिर चुकी है बेचारे, फिर नमाजियों को बेहद तकलीफ़ होती है यहाँ से आने जाने में। मस्जिद के बाजू से ये गटर का रास्ता ख़राब हुआ है और कोई कुछ करने वाला है अच्छा, नहीं ये जो मैं देख रहा हूँ ये केबिन, इसके नीचे गटर है क्या? हाँ इसके नीचे नहीं, इसके बाजू से इससे लग के ही गटर है। ये गटर तो सेंटर में ही है, देख लो ना आप। गटर जो है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो गई, क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। गटर नहीं है केबिन के पास, तो गटर नहीं है केबिन जहाँ है, लेकिन ये गटर सीधी सीधी है ट्रांसफार्मर से सीधी, केबिन से गटर का वास्ता नहीं है कुछ, लेकिन ये जो गटर, हाँ ये गटर है। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके हिसाब से, इसका हल क्या निकलना चाहिए? इसका हल निकलना चाहिए, कोई अच्छा जिम्मेदार आदमी आवे, समझदार, जो अपने वार्ड को अपना वार्ड समझे, लोगों की तकलीफ को तकलीफ समझे, वो हल करके चला जाएगा। ये निकली मैं पूछ रहा हूँ, यानी क्या होना चाहिए, पूरी गटर खोद के वापस से बनाना चाहिए कि साफ होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये साफ कर करके ना म्यूनसिपलिटी वाले थक गए हैं, साफ अब होती नहीं, वो लोग अपनी पूरी पूरी कोशिश करके जाते हैं, फिर वो लोग साफ करने लगते हैं तो जो यहाँ के ठेकेदार है कम ज़्यादा आगे पीछे म्यूनसिपलिटी वाले को हाथ पर दिखाने लगते हैं, जरा ये भी ले वो भी ले, और फिर उसके बाद में 4 दिन के बाद ना वो खुद ही ऐसे घूम घूम के आते टेढ़ा वाकड़ा, उनको भी तकलीफ होती क्योंकि कल तक खड़े होकर काम कराए और उसके बाद में उनका काम कुछ सामने आया नहीं। तो ये मैं सोल्यूशन पूछा आपसे अच्छा, कि अच्छा। ये गटर साफ होने से पानी अंदर से बहने लगेगा कि गटर वापस से तोड़ के नहीं बनाना पड़ेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं ये गटर तोड़ के बनाना ही पड़ेगा नवी, अच्छा ये साफ करने से कुछ होएगा नहीं क्योंकि कई 100 बार साफ हो चुकी है,
ये साफ होती है भर जाती है, साफ होती है भर जाती है, इससे कोई मसला हल नहीं है। इसको तोड़ के ही बनाना पड़ेगा तो ही नमाजियों की भी तकलीफ दूर हो जाएगी। हमारी माँ बहनें, औरतें, स्कूल के बच्चे, बच्चियाँ सब आते जाते तो कोई इतने मासूम बच्चे को लेके जा रहे, एक सेकंड में स्लिप होएंगे, दो सेकंड में इनके बच्चे को तकलीफ हो जाएगी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन आएगा तो फिर अपनी अपनी कहानी लेके सब पहुँच जाते हैं कि लोग तो बोलते हैं हम पैसा दे के जीत जाएंगे। वो नेता लोग का मैटर है, कौन नेता क्या बोलता है वो अपना मैटर नहीं है भाई, लेकिन बोलने वाली जो बात है, तकलीफ जो है वो। निजामपुरे वाले पैसा लेते क्या? निजामपुरे वाले तो कभी किसी से पैसा नहीं लिए मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं लिए। बाकी और कोई होएंगे तो होएंगे, हमारे निजामपुरे वाले अगर खतरनाक होते तो ये गटर नाली बहती नहीं ना भाई। हम तो भरोसा करते किसी पे भी कि भाई ये आया है, अपना आदमी है, अपना अच्छा काम कर देगा, चल क्या लेने का पैसा, और हमने कभी नहीं लिया पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये पूरा इलाका जो है वार्ड नंबर 5 है और निज़ामपुरे का इलाका है। तो देखा आपने किस तरह से, चाहे वो लापास के सामने का इलाका हो, चाहे वो ये बागी फिरदौस मस्जिद के पीछे का इलाका हो, हर जगह से गटर का जो पानी है वो रोड पर चलते हुए, सड़कों पर आते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर स्कूली बच्चे भी आ रहे जा रहे हैं, महिलाएँ आ रही जा रही है, इसी के साथ साथ करीब में मस्जिद है वो लोग भी आ रहे जा रहे हैं। गंदा पानी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है और आने वाले समय में इनको बीमारियों का भी बीमारी भी हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन यहाँ कुछ ध्यान दे और यहाँ के लोगों को सुविधा प्राप्त करे। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, कैमरे के पीछे अनस।